सो डियर फ्रेंड्स, अब एक वाइवा सेशन होगा जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता ही सबके सामने। तो रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्ड होता है तो इसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जब आप कभी फ्यूचर में इंटरव्यू दोगे जॉब के लिए, नौकरी के लिए, या आपके रिश्ते वाले भी आएंगे। चलो सबसे छोटी बात समझते हैं, जब आपको देखने वाले आएंगे, लड़के वाले लड़की वाले, उस टाइम भी कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। लड़की के पापा क्या देखते हैं कि लड़का कितना कॉन्फिडेंट है, लड़के के पापा देखते हैं लड़की कितनी कॉन्फिडेंट। मतलब सारा मामला कॉन्फिडेंस का है। नेताओं को देखा कभी कैसे बोलते हैं, भाइयों बहनों हम सारी सड़कें बनवा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। होता है कुछ? होता है, बट उतना नहीं होता जितना बोलते हैं। तो जब से देश आज़ाद हुआ है नेता गरीबी दूर कर रहे हैं, पर आज तक तो हुई नहीं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट चलिए हम शुरू करते हैं अब आज का वाइवा। पहले आपसे करेंगे, आपका नाम बताइए। अदनान मलिक। अदनान भाई ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सर बाल नंबर एग्जाम से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस परपेंडिकुलर। वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ? सर वन अप वन, बातें कोई नहीं करेगा, अपने आप से डिस्कस कर सकते हो। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। गॉस थ्योरम एक ही बात है, गॉस लॉ एक बात। देखो इसको लगता है गॉस थ्योरम गॉस लॉ अलग अलग है, गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम सेम है। और जब आपसे एग्जामिनर पूछे गॉस थ्योरम तो आप बोलोगे सर कौन से वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रोस्टेटिक वाली या मैग्नेटिज्म वाली? याद रखना इस बात को, दो है गॉस थ्योरम, बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, गॉस थ्योरम क्या है? सॉरी सर नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सर बोल दिया इस बच्चे ने, बहुत अच्छी बात है। जब भी आंसर ना पता हो सॉरी सर बोल दो, इससे टीचर का ईगो खत्म हो जाता है। ये क्या है, इधर आओ, व्हाट इज दिस? आ गया, आओ जल्दी, आर्यन यहाँ आओ, वेरी बैड, इधर हो जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म फॉर्मूला? लेकिन सेमी कंडक्टर इम्प्योर चाहते हैं। क्यों डोपिंग क्यों करते हैं सेमी कंडक्टर में? बेटर कंडक्टर करने के, बेटर कंडक्टर बनाने के लिए। देसी घी चाहिए प्योर, दूध चाहिए प्योर, सारा चीजें चाहिए प्योर, लेकिन सेमी कंडक्टर चाहिए इम्प्योर। इम्प्योर सेमी कंडक्टर को एक्सट्रिंजिक बोलते हैं, इंट्रिंजिक बोलते हैं? एक्सट्रिंजिक, एक्स मतलब बाहर का, मिला हुआ, मिलावट। एक्स वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, आपका नंबर तो नहीं आया ना अभी। व्हाट डू यू मीन बाय फुल वेव रेक्टिफायर? डू यू हैव एक्स? नहीं। इन सर बताओ फिर, पता नहीं सर, फुल वेव रेक्टिफायर नहीं पता। पी इंजेक्शन डायोड क्या होता है भाई साहब? पिन, सॉरी दीपक को पता है? दीपक रह गया। फुल रेक्टिफायर सर जिसमें फुल एसी करंट पास हो जाए। गलत। फुल जो एसी को डीसी बना दे पूरा। हाँ, पूरा। कितने डायोड यूज होते हैं इसमें कम से कम? सर दो। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं कम से कम? एक दो तीन चार? दो। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कितने होते हैं? चार, याद रखना। व्हाट डू यू मीन बाय, आप होशियार बच्चे से ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा। सर जो मतलब एसी से टू डीसी बनाते, आप तोतले बोलते हो थोड़े से, कोई बात नहीं। एसी टू डीसी बनाते हैं जब, तो उससे जो मतलब लेयर बन जाती है उसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। वेरी नाइस। एसी को डीसी बनाते हैं लेयर बन जाती है, गलत है, बिल्कुल गलत है। डिप्लेशन लेयर कैसे बनती आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपसे, सॉरी सर। डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, हाथ खड़ा कर लो इसको बताओ। डिप्लेशन लेयर, तानिया सॉरी सर पहली बोल दे, सॉरी सर कितने स्टाइल से बोला। डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, कैसे बनती है डिप्लेशन लेयर? डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है? व्हेन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द पीएन साइड एंड, सही बोल रही हो, दे मेक डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है? सॉरी सर, व्हेन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर देन अ लेयर फॉर्म दैट इज नोन एज। बेटा अगर बातें करो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये देखो बच्चे उधर बातें कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल देते। जब पी टाइप से होल निकलकर किसकी तरफ जाते हैं? एन की तरफ। और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसकी तरफ जाते हैं? डेटा दिखा रहा हूं, आप कुछ लड़के उधर चले जाओ, कुछ लड़के इधर आ जाओ, जाना ये इलेक्ट्रॉन से आप होल्स हो, चलो जाओ ट्रांसफर करो, जाओ उधर। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, एक लड़का जाएगा तो एक लड़की उधर से आएगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती, जाओ ना बेटा आप इधर जाना, चलो मूव करो साथ साथ, मूव करो। अब रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, ये हो गए न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज ने निगेटिव को खत्म कर दिया। नेक्स्ट, चलो चल भाई दीपक, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, डिप्लीशन ले रहे हो तुम। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो चलो चलो, रुक जाओ रुक जाओ, न्यूट्रल हो गए, चलो नेक्स्ट चलो। अभी देखो अभी क्या है, डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जा रही है,
डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जा रही है। अब मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं इसको पार कर रहा था लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जहां पर डिप्लीशन लेयर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, क्योंकि यहां पर नेट चार्ज कितना है? जीरो। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, क्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना? जीरो। तो मैं यहां पर ना तो पार कर पाऊंगा इसको, ना उधर से कोई आ पाएगा। इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और अगर मैं चाहता हूं कि अभी भी इलेक्ट्रॉन चलें तो मुझे इसके साथ बैटरी जोड़नी पड़ेगी। बैटरी जोड़ने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। वापस चले जाइए होल्स, वापस आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब मैं पूछूंगा गीता आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायस? फॉरवर्ड बायस सर जिसमें पी पॉजिटिव रहता है, मोशन करते हो सर, जिसमें पी टाइप, एक बार घूम जाओ, पी टाइप के सेमीकंडक्टर पॉजिटिव रहते हैं। फॉरवर्ड बायस गलत हो गया। फॉरवर्ड बायस इनका, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस सर इसमें पी टाइप के जो वो रहते हैं वो पॉजिटिव साइड में रहते हैं और एन टाइप के नेगेटिव। थोड़ा सा गलती कर रही है। फॉरवर्ड बायस व्हेन वी जॉइन पी टाइप सेमीक्रिस्टल टू द लड़की लगी। हां शाबाश। व्हेन वी जॉइन पी टाइप सेमीक्रिस्टल, तारीफ कर ली सर। When we connect P-type semicrystal to positive, तारीफ अच्छी लगती है ना? पर आपने काम तारीफ पे ही किया है। जब P-type को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और N-type को बैटरी के नेगेटिव से, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स बायस। क्या होता है रिया कौशिक? सर, when we कौशिक सर ने महर्षि कौशिक की संतान। When we wire reverse wire हिंदी में बताना रिवर्स बायस सर, जब उससे जब हम जमा होंगे, जाने कहाँ होंगे जब लेकिन जहाँ होंगे तुम्हें याद करेंगे, मास्टर तुझे गाली देंगे। रिवर्स बायस सर, व्हेन वी कनेक्ट पी टाइप ऑफ क्रिस्टल टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द एन टाइप ऑफ क्रिस्टल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन क्या कॉन्फिडेंस? व्हाट डू यू मीन बाय, आपसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फुल वेव रेक्टिफायर? इन व्हिच व्हेन टू डायोड In which two diode is used and AC is converted into pulse. शाबाश। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है, AC को हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है बस, ट्रू फॉल्स, इससे टाइम बचेगा। मैं कुछ बोलूंगा आप ट्रू फॉल्स बोलोगे, आप घूमते रहना, तो मैं कुछ भी बोलूंगा आप उसको ट्रू फॉल्स बोलना। जब फॉल्स होगा तो आप बोलना फॉल्स, और जब मैं बोलूंगा अच्छी बात सच तो आप बोलोगे ट्रू, ऐसे ठीक है। तो चलिए बोलता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट होल AC इनटू DC, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ प्रिज्म कैन नॉट डिवाइड लाइट इनटू 7 कलर, शाबाश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रू। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज ब्रैकेट 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। इस फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। जोर से बोल, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड जो होती है तार के अंदर उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहते, फॉल्स। एक साथ बोलो फॉल्स। एक और बात बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं खड़ा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हूं, मैं चलने लगूं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों करूंगा, ट्रू। एक और क्वेश्चन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता, फॉल्स, फॉल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है, ट्रू। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बायो सेवर्ट लॉ नहीं है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एम्पियर सर्किट लॉ होता है, ट्रू। क्या होता है? एसी की फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है, इंडिया में, पाकिस्तान में 60 है, ठीक है। नेक्स्ट, वहां खड़े हो जाओ, इसको अंदर ले लो अपने कोपचे में। गर्ल्स थोड़ा इधर आ जाना सामने। तान्या आपके अंदर अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट रहती हो हमेशा, चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, इधर आओ।
नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी लड़की है और कुछ बड़ा करेगी ये लाइफ में। बेटा इधर आ जाना, एक क्वेश्चन और बोलूं, मजा आ रहा है। वेवलेंथ का मतलब फिजिक्स में कलर होता है। मतलब जैसे आप शॉप पे जाती हो, आपको साड़ी खरीदनी है मान लो मम्मी के लिए, तो आपने कहा भैया रेड कलर की साड़ी दे दो, तो आप बोलोगी रेड कलर की साड़ी नहीं, रेड वेवलेंथ बोल दोगी आप, जो भी होती है 4700 एंगस्ट्रॉम मान लो, इसकी वेवलेंथ की साड़ी दे दो, दे देगा दुकानदार अगर उसने फिजिक्स पढ़ी, दे देगा। तो जिसको आप कलर कहते हो बेसिकली वो क्या होता है, वेवलेंथ। ट्रू फॉल्स, अच्छा ठीक है। लाइट की फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने पर चेंज हो जाती है, फॉल्स। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। एक क्वेश्चन और सुन लो, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है, फॉल्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है, फॉल्स, मेटल ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में ट्रायंगल पी होता है, ट्रू। एक जोश नहीं आ रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जोश नहीं आ रहा है, ट्रू बोलो। जिनर डायोड नाम की डिवाइस भी होती है, जिनर डायोड डायोड की बड़ी बहन होती है, जिनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट कर सकती है, जिनर डायोड रिवर्स बायस में काम करती है, लेकिन डायोड फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है, ट्रू। डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में काम करती है, जबकि जिनर डायोड केवल रिवर्स बायस में काम करती है, किसमें? जितना बड़ा प्रिज्म होगा उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्ट डिस्पर्शन होगा, जितना बड़ा प्रिज्म होगा उतना ही ज्यादा डिस्पर्शन करेगा, ट्रू। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म का होता है, ट्रू। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है, कॉनकेव लेंस नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में, प्लेन लेंस भी होते हैं, ग्लास स्लैब बोल दो, प्लेन लेंस का मतलब क्या, ग्लास स्लैब। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज के बराबर होती है, अच्छा आपका मिरर, रिश्तेदार आ जाइए, आ जाइए सर, यहाँ खड़े हो जाइए, रेडी। तो केमिस्ट्री के टीचर ने आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वाइवा को रोक दिया, अगली बार मिलते हैं, थैंक यू।